गोल्डन वेनम, तू हमसे नहीं जीत सकता। हमारी सियान वेनम फैमिली तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देगी। हाँ हाँ, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये मारो इसको, मारो। ओए, मुझे वो ट्रेडमिल चाहिए, फटाफट से वो ट्रेडमिल दे दे। ओए, वो मेरे पूर्वजों का ट्रेडमिल है, वो ट्रेडमिल तो तुझे नहीं मिलेगा, पहले मेरी जान चली जाए, पर मैं उसको ट्रेडमिल को कुछ नहीं होने दूंगा। लगता है फिर तेरी आज जान लेनी ही पड़ेगी। आजा। ओए आजा फिर, दो दो हाथ हो जाए। ये ले, बोलना ट्रेडमिल देगा कि नहीं। ओए नहीं दूंगा ट्रेडमिल, चाहे तू मुझे कितना ही मार ले, ट्रेडमिल तो मैं तुझे नहीं देने वाला। मारो इसको, मारो, हम ही हैं सबसे खतरनाक वेनम। अरे नहीं, गोल्ड वेनम ही है सबसे खतरनाक वेनम। ओए मुझे वो ट्रेडमिल चुपचाप दे दे, वरना तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ओए मैं भी सेम बोलता हूँ, तेरे को क्या कर लेगा, मैं तेरे को ट्रेडमिल नहीं देने वाला। लगता है तुझे खत्म करना ही पड़ेगा, निकल यहाँ से। ओए रुक जा, ओए टाइम प्लीज, ओए मेरी हड्डी टूट गई, बचाओ मेरे को। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया। ओए तू वेनम फैमिली का सबसे छोटा वेनम है, तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तो कोई भी वेनम आगे आ नहीं पाएगा, और ये ट्रेडमिल भी हमारा हो गया। अरे ट्रेडमिल भले आप रख लो, पर मुझे तो छोड़ दो। नहीं, पहले मेरा बेटा अपनी साइज बढ़ाएगा इस ट्रेडमिल पर। भाग बेटे भाग। पता बहुत ही मजा आ रहा है, मेरी साइज कैसे बढ़ रही है। अरे यार मुझे अपनी आज साइज बढ़ानी थी, और आज ही के दिन इन गोल्डन वेनम को हमारे पे हमला करना था, और इन्होंने हमसे ट्रेडमिल भी ले लिया। और ये देखो कितने तेज से अपना साइज बढ़ा रहे हैं, इसका साइज तो 10,000 तक पहुंच चुका है, ये तो मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुका है। और गाइस आप देख सकते हो ये गोल्डन वेनम कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। बहुत बढ़िया बच्चे, अब हम ही है सबसे खतरनाक। मैंने तो बोला ही था गोल्डन वेनम ही सबसे खतरनाक है, अब हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। इन्होंने मुझे हर पिंजरे में बंद कर दिया, पता नहीं कौन सी जगह पे, मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे जल्दी जल्दी पिंजरा तोड़ना पड़ेगा। इसको और तेज मारते, ये टूट जा, और ये टूट गया, और आखिरकार ही टूट चुका है। चलो फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते, सामने एक खिड़की खुली हुई, इधर से निकलते। एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रेडमिल कहाँ से आया। अरे मुझे लगता है ये कोई ट्रेडमिल है, इसमें क्या मैं अपनी साइज बढ़ा सकता हूँ। रुको मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी मैं इसमें ट्राई करने वाला हूँ अपनी साइज बढ़ाने की, तो फटाफट से इस पे भागते, क्या मेरी साइज बढ़ पाएगी। फटाफट से भागो 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 भागो, प्लीज बढ़ जा, थोड़ी तो बढ़ जा। और एक सेकंड, ये मीटर तो बढ़ रहा है, और ये तो 100 तक पहुंचने वाला है। और गाइस सर ये मीटर 100 तक पहुंच चुका है, और है मेरी थोड़ी सी साइज बढ़ चुकी है, मतलब सिर्फ 100 ही बढ़ी है, और ये ज्यादा ट्रेडमिल मेरी साइज बढ़ा भी नहीं सकता। चलो यार फटाफट से यहां से बाहर निकलते हैं, चलो यार मैं बच तो गया कम से कम। तो गाइस सर अगर आप चाहते हो मैं उस यार गोल्डन वेनम की फैमिली से बदला लूं, क्योंकि उन्होंने हमारे फैमिली वालों को मारा था, तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओ बेटा, अगर तुमको बढ़ानी है अपनी साइज, तो तुम आयो बिल्कुल सही जगह पर, ये संटा तुम्हारी साइज को बढ़ा देगा 9999 तक। तुम चारों के बीच में होने वाला है कंपटीशन, ये है तुम्हारी गाड़ियाँ और ये है तुम्हारा चैलेंज। यहाँ से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जाना है, बीच में खड्डों से बचते जाना है, और जो भी सबसे ज्यादा दूर जाएगा हो उसको मिलेगा एक जादुई ट्रेडमिल, जो कि तुम्हारी मदद करेगा साइज 9999 पर जाने पर। पहले मैं जाऊंगा, चलो फटाफट से अपनी साइज बढ़ा लेता हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मेरी साइज तो बिल्कुल 0 है, मुझे अपनी साइज को 999 तक पहुँचाना है। चलो फटाफट से चलाते हैं, अरे ये गाड़ी कितनी तेज चल रही है, चलो इसको लेके चलते हैं, और ये तो मैं जीतने वाला हूँ। तो अभी ये जाने वाला है हल्क बस्टर। गाइस आप क्या चाहते हो, कौन जीते, हल्क बस्टर, सोनिक, या फिर मैं, यानी यार सियान वेनम। तो फटाफट जाके मुझे कमेंट करके बता देना कि सियान वेनम ओपी की हल्क बस्टर ओपी की सोनिक ओपी, और ये कैसे टकराया, पर ये वापस से सीधा हो चुका है। और गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि अब जितना ज्यादा लाइक करोगे उतने ज्यादा मेरे चांसेस होंगे जीतने के, और अगर आप बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मैं कंफर्म जीत ही जाऊंगा, और मेरा साइज पहुंच जाएगा साइज 999 तक। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। तो अब बारी है सोनिक की, अब जाने वाले सोनिक, क्या देखते हैं ये सबसे आगे जा पाएगा कि ये बीच में गिर जाएगा, तो फिर मुझे अपना कंपटीशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हल्क बस्टर था वो तो शुरू में बिल्कुल आगे आगे गिरा है, तो मुझे थोड़ा सा बस आगे जाना है, बस को कंप्लीट करना है। पर देखते हैं सोनिक क्या करके दिखाता है। और ये सोनिक ने अपनी गाड़ी खुदा ली है, और हल्क बस्टर को तो उसने पीछे छोड़ दिया, मतलब यार ये हल्क बस्टर से तो आगे निकल चुका है, इससे जीतने के चांसेस है। और ये हो गया यहाँ पे लैंड, बहुत ही ज्यादा दूर चला गया ये सोनिक। तो अब बारी है मेरी, मुझे यार सोनिक से भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो फटाफट से गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाइस कमेंट में जाके लिख दो गुड लक वेनम, ताकि मैं ये जीत सकूं। फटाफट से चलते हैं, सामने हमारा चैलेंज है, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके हुए चलते हैं यहाँ से आराम से। और गाइस अभी मैं यहाँ तक तो पहुंच चुका हूँ, और ये मैंने गाड़ी खुदा ली है, मुझे बस सोनिक से आगे जाने, कैसे भी सोनिक की गाड़ी मुझे यहाँ से दिख रही है, और मेरी गाड़ी कहीं सीधा। और ये क्या, एक सेकंड, ये सोनिक की गाड़ी तो मेरे पीछे ही है, अरे वाह मैं तो बिल्कुल हल्का सा आ गया हूँ सोनिक से। और गाइस ये मैं जीत चुका हूँ। ओ हो, तुम जीत चुके,
लिए हो ये चैलेंज, ये लो ट्रेडमिल और आ जाओ अपनी साइज बढ़ाओ 999 तक। तो गाइजर फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं अपनी साइज बढ़ाने वाला हूं 999 तक। तो फटाफट इस पे भागना शुरू करते हैं। और गाइजर हमारी यार साइज वो बढ़ना चालू हो चुकी है और ये तो बहुत ही धीरे पड़ रही है। ओ, मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा एनर्जी वाला ट्रेडमिल चाहिए होगा, तुम इससे अपनी साइज 99 नहीं कर सकते। अरे गाइजर मेरी यार भी साइज हो चुकी है 1000 तक और देख सकते हो मैं कितना ज्यादा तेज भाग पा रहा हूँ, पर मुझे तो अपनी साइज 999 करनी थी वो कि मैं कर नहीं पाया। और मेरे बात सुन, मुझे एक गाड़ी धोने का ऑर्डर मिला है, अगर तू मेरे साथ गाड़ी धोने में मदद करेगा तो मैं तुम्हें ट्रेडमिल दूंगा और उसमें तुम अपनी साइज बढ़ा पाओगे। अरे क्या सच्ची, आ जा फटाफट चलते हैं। और चलो चलो वो गोल्डन लिमोजिन है ना उसको धोना है, चलो उसको उठा लो वहां से। अच्छा ठीक है फटाफट से बैठते हैं। तो गाइजर अभी हम इस गोल्डन लिमोजिन को धोने जा रहे हैं, उसके बदले में मुझे ये ट्रेडमिल पे भागने देगा। तो फटाफट से चलते हैं, ये हल्क भैया का हमको मदद करेंगे और ये फिर हमारी मदद करेंगे। ओए तेज चला ले, कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो क्या हो गया? ओए मैं चाहता नहीं हूँ किसी को पता चले कि मैं कपड़े धोता हूँ। अच्छा समझ गया। एक सेकंड, ये पुलिस के सायरन क्यों आवाज आ रही है? ए ये पुलिस तो हमारे लिए आ रही है। ओए तेज भगा पुलिस आ रही है हमारे पीछे। अरे क्यों भगा नहीं है? ओए तूने प्रेसिडेंट की गाड़ी चुराई है, क्या मतलब नहीं भगाएगा? क्या प्रेसिडेंट की गाड़ी चुरा ली मैंने? कब? ओए जिसमें हम बैठा है वो प्रेसिडेंट की गाड़ी है क्या? अबे तू पागल है क्या? तूने तो बोला था इस गाड़ी को धोना है। ओए वो तो मैं मजाक कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, मैं तुझे ट्रेडमिल पर तो भागने दूंगा, बस तो मैं पुलिस से पीछे छुड़ा ले। अबे ये क्या पागल आदमी गाइस, इसने मुझे पागल बना दिया, प्रेसिडेंट की गाड़ी चुरवा ली मेरे से। मैं सोच रहा था भाई आराम से गाड़ी धोके फिर मुझे ट्रेडमिल मिलेगा। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। ओए चलते चलते भाग ले वरना पुलिस आ जाएगी। अरे यहाँ भाग ही तो रहा हूँ। तो गाइजर अभी हमें ट्रेडमिल पे आ चुके और साइज का मीटर हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले एक बार साइज का मीटर बढ़ा लो फिर इसको मैं बताऊंगा। तो फटाफट से इसको 10000 तक पहुंचा देते और साइज 999 तक पहुंचा। अरे तो बढ़ ही नहीं रहा। ओए लगता है ट्रेडमिल खत्म हो गया। अबे तू पागल है क्या? मैं इस पे कभी विश्वास नहीं करने वाला। मैं सोच रहा था भाई कि इसने मेरा मदद कर दी पर इसने तो मेरे से गाड़ी चुरवा ली। गाइजर आपको मेरी शक्ति दिखाता हूँ, इस ट्रेन को भी आने दो। इस ट्रेन को देखना, मैं बस ये टच करूंगा और ये ट्रेन रुक जाएगी। आजा, और ये ट्रेन आई और ये देखो भाई पूरी ट्रेन उलट पुलट हो चुकी, सारे सारे ट्रेन के डब्बे गिर चुके। मेरे मार चुके बहुत ही ज्यादा शक्तियां, पर अभी भी मुझे और शक्तियां चाहिए और मुझे बनना है साइज 9999 का। बच्चों बचाओ ताली, अगर तुमको बढ़ाना है अपना साइज तो तुम आयो सही जगह। बिल्कुल मेरे भाई, हम तुमको करवाएंगे ये सिंपल सा चैलेंज जिसमें तुम ज्यादा से ज्यादा मर सकते हो, तुमको मछली खा जाएगी। ये देखो यहाँ पे तुमको अपनी गाड़ी लेके जाना है, फिर पानी में जाना है, फिर बाहर निकलना है, इतना ऊपर जाना है, फिर पानी में जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर पानी में जाना है, फिर ऊपर जाना है, और जो भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा उसको मिलने वाला है सबसे खतरनाक ट्रेडमिल जो कि तुमको अपग्रेड करेगा साइज 999 पर कंफर्म। अरे पहले मैं जाना चाहूंगा। तो गाइजर ये वाला चैलेंज तो मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है। हमको पानी के अंदर अपनी गाड़ी लेके जानी है, फिर बहुत ही ऊपर एक माउंटेन जैसे रोड पे लेके जानी है, और पहले ये आयरन मैन जा रहा है, इसने अपनी फर्स्ट लेवल तो क्लियर कर दी और ये सेकंड लेवल पर भी फुल स्पीड में जा रहा है और ये तो सीधा गया पानी के अंदर। क्या ये बच पाएगा? और बच गया। मुझे लगा था नहीं बच पाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है मुझे। और ये थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, क्या ये इसको कंप्लीट कर पाएगा? अभी देखते हैं, ये जा रहा है फुल स्पीड में। मुझे इसको कैसे भी जीतना पड़ेगा, मुझे अपना साइज 999 तक पहुंचाना है। और गाइजर इसकी गाड़ी बहुत ही स्लो होती जा रही है और ये सबसे हार्ड वाली जो लेवल है उसमें इसकी गाड़ी फिसल रही है और ये बहुत ही ज्यादा धीरे स्पीड में जा चुका है और ये सीधा गया पानी के अंदर और ये बाहर निकला। और ये क्या, ये तो वापस से पानी के अंदर जा चुका है। और गाइजर इसकी तो गाड़ी ही पानी में गिर गई और ये हो चुका है डिस्क्वालीफाई। अब बारी है मेरी। गाइजर अगर आप चाहते हो मैं ये चैलेंज जीत जाऊं तो फटाफट से जाके बहुत सारे लाइक कर दो, बहुत सारे सब्सक्राइब कर दो अभी तक आपने नहीं किया तो, और कमेंट में जाके लिख देना गुड लक वरुण ताकि यार ये मैं जीत सकूं। बहुत तेज गुड लक लिख देना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है और मुझे इसको कैसे भी करके कंप्लीट करना है। अगर मैंने नहीं किया तो मैं साइज 999 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो फटाफट से चलते हैं अपन, ये अपनी दूसरी लेवल हमने कर लिए बिल्कुल ढंग से कंप्लीट और हमारी गाड़ियां अनबैलेंस हो रही है, मुझे इसको हारना नहीं है। ए, पानी के अंदर नहीं, बच गया। मुझे लगा था मैं सीधा आउट होने वाला हूँ। और ये सबसे बड़ी वाली गाड़ी को धक्का लगा तेज, अबे 10 की स्पीड में चल रही है, तेज चलना। अरे गाइजर पहुंच जाएंगे। और हम ये पहुंच चुके ऊपर, बस यहाँ से आराम से करना है, यहाँ से गिरना नहीं है, बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं और फुल स्पीड में जा रहे हैं और ये पानी के अंदर और ये बाहर निकल गए। यस, हम कर सकते हैं अब ज्यादा हार्ड।
बचा नहीं है, एक ही बचा है शायद, हाँ सिर्फ एक ही बचा है। चलो फटाफट से यहाँ पे ज्यादा पानी है और ये निकालते हैं पानी के अंदर से, और ये गाड़ी उल्टी नहीं हुई। और ये गाइजर हम पहुंच चुके फिनिशिंग लाइन तक, और गाइजर मैं जीत चुका हूँ, यस 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 मैं जीत गया। तो गाइजर फटाफट से ट्रेडमिल पर भागना चालू करते हैं और अपन पहुंच जाते हैं सीधा साइज 9999999999 पर। फटाफट से यहाँ से भागते, आप देख सकते हो हमारा वो मीटर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। 10,000 से चालू हुआ था और ये पहुंचने वाला है 999 तक, और ये बस पहुंच गया, और ये पहुंच गया। और गाइजर ये क्या, मेरा साइज कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, ये देख सकते हो मैं कितना ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, इन पहाड़ों जितना मैं हो चुका हूँ, और मेरे चार चार मुंडे भी आ चुके हैं, मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ। अभी यार इस गोल्डन वेनम को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इसने यार मेरे घर वालों को मारा था और मैं इसको और इसके पूरे घर वालों को मार दूंगा। हम दोनों का साइज देख सकते हो बिल्कुल सेम ही हो रहा है, दोनों के चार चार मुंडे, क्योंकि आखिरकार वेनम वेनम सारे भाई होते हैं, पर ये हमसे लड़ते रहते, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अबे निकल यहाँ से, मुझे गुस्सा आ गया ना एक बार तो मैं तुझे पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। अरे तो गुस्सा कब आएगा, जब मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ये ले ये ले ये ले, तू भी ले तू भी ले। अरे ये तो मारने लग गया, अरे मजाक कर रहा था, अरे ये दीवार पे मारेगा। ये निकल यहाँ से, कैसे भाई गोल चक्रियों की तरह घूम रहा है, उठना उठना। अरे सही मुड़ गया ये तो, अरे मेरे को बचाओ रे। अरे ये तो मेरे को भी गिरा रहा साथ में, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अबे तेरे से भागा नहीं जा रहा ना, ये ले आजा, इसको बता दो मैं, ये निकल यहाँ से, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। इसने हमारे घर वालों को मारा था और हमारे पुष्पों को आया ट्रेडमिल भी चुराया था, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आजा ये ले चाटा खा, और ऐसे तो मेरे को चाटा मार दिया, निकल यहाँ से। और गाइजर आखिरकार इसको हमने सुला दिया है, और ये हमेशा के सो चुका है, अरे तो फिर से उठ गया, और अब ये आखिरकार सो चुका है। तो गाइजर मैंने आखिरकार गोल्डन वेनम को हरा दिया है और मैं जीत हुई है सियान वेनम फैमिली की। तो गाइजर आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो, और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके जो ना फॉलो कर लेना। और कैसे मैं मिलता हूं आपसे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।